तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। फिलहाल हम भिवाड़ी बस स्टैंड में पहुंच चुके हैं और अभी समय हो चुका है सुबह के 9:10। आज की इस वीडियो में हम आपको भिवाड़ी से बहल तक का वर्चुअल टूर कराने वाले हैं। तो फिलहाल आप भिवाड़ी बस स्टैंड के शानदार व्यू को देख सकते हैं, कितना शानदार लुक है इस बस स्टैंड का। आज की इस जर्नी में हमारी बस के चालक होंगे रविंदर भाई और कंडक्टर सुनील भाई। तो लोकल रूट की वीडियो हमने एक बार फिर से शुरू कर दी है। अभी समय हो चुका है सुबह के 9:30 और हमारी बस के यहाँ से चलने का समय जो है वो हो चुका है। बस के कंडक्टर सुनील भाई को भी आप देख सकते हैं। वैसे दिन के समय इस रूट पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ चलती है क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टूडेंट्स जो हैं इस रूट पर सफ़र करते हैं। तो फिलहाल हमारी बस भिवानी डिपो के एग्जिट गेट पर आ चुकी है। भिवानी से बहल वाया कैरू ओबरा का इस बस पर बोर्ड लगाया गया है। और सामने आप वीडियो में देख सकते हैं हरियाणा रोडवेज का जहाज कितनी शान से चल रहा है। हमारे सामने जो अभी बस चल रही है ये हरियाणा रोडवेज भिवानी डिपो की बस है जो कि दिल्ली से झुंझुनू वाले रूट पर चलती है। और भाई ये है देवसर गांव जहां पर मान्यता है कि यहां पर माँ भवानी प्रकट हुई थी और इसलिए अभी यहां पर एक मंदिर भी बनाया गया है। और भाई ये है साइड में भिवानी का बाईपास। और भाई ये देखो सामने से आ रहा अपना हरियाणा रोडवेज का जहाज। वैसे गांव में अगर आप जाओगे ना हरियाणा रोडवेज की बस में तो आपको दोनों साइड पेड़ मिलेंगे रोड के। तो फिलहाल हमारी बस लोहानी गांव में पहुंच चुकी है और जो ये आप सीधा रास्ता देख रहे हैं ये सीधा झुंझुनू सीकर जयपुर की ओर जाएगा और ये जो राइट वाला रोड है यहां से हम राजगढ़ की ओर जा सकते हैं। और ख़ास तौर पर भाई गर्मियों में क्या है कि जब आप हरियाणा रोडवेज की बस में सफ़र करोगे ना तो ऐसा नहीं कि लू लगेगी भाई हरियाणा रोडवेज की बस में। अगर आप गाँव में सफ़र करते हैं ना तो दोनों साइड पेड़ हैं तो बड़ी ही ठंडी हवा लगती है और सफ़र करने में भी काफ़ी आनंद आता है। और ये हमारे आप हरियाणा के जो गांव वाले जो कुछ एक रोड हैं उनकी कंडीशन को देख सकते हैं। वैसे तो हरियाणा में ज़्यादातर रोड काफ़ी शानदार बनाए गए हैं लेकिन कुछ एक रोड की जो मरम्मत है वो होनी ज़रूरी है। Oh,
और भाई ये एक छोटा बच्चा जो कि हरियाणा रोडवेज की बस में सीट के ऊपर खड़ा होकर मजे ले रहा है। लेकिन भाई अगर बस को ब्रेक लगाने पड़ गए तो ऐसे चोट भी लग सकती है। तो मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, आ रहा है, मजा आ रहा है। और अभी समय हो चुका है सुबह के 10:15 और जो हमारी बस है वो अभी लेंघा गांव में पहुंच चुकी है। बड़ा प्रोग्राम है रविंदर 3 तारीख ने, अरे रागनी रोगनिया का 2 साल में बड़े बड़े कलाकार होंगे। और भाई ये रहा हरियाणा रोडवेज का एक और जहाज। अभी समय हो चुका है सुबह के 10:30 और जो हमारी बस है वो अभी कैरू गांव में पहुंच चुकी है। अभी सुबह के 10:35 हो चुकी है और जो हमारी बस है वो अभी खापड़वास पहुंच चुकी है। समय हो चुका है सुबह के 10:38 और जो हमारी बस है वो अभी देवराड़ा गांव में पहुंच चुकी है। यहाँ मेन चौक पर प्रिया खाद बीज भंडार के नाम से एक दुकान है जिसकी क्वालिटी काफ़ी शानदार बताई जाती है। और भाई ये रहा यहाँ से जवाहर नवोदय विद्यालय का रास्ता। और भाई ये रही देवराड़ा गांव की आईटीआई जिसको आप अभी देख सकते हैं। क्या कहता बैठी है? और भाई पता नहीं ये लेडीज रोड के बीच में क्यों बैठी है। अभी सुबह के 10:45 हो चुकी है और दोस्तों अभी हमारी बस ओबरा गांव में पहुंच चुकी है। समय हो चुका है सुबह के 10:50 और अभी हमारी बस नुनसर गांव में पहुंच चुकी है। राजा, राजा।
और भाई ये है हमारे सामने हरियाणा रोडवेज की एक मिनी बस। और भाई ये है हमारे हरियाणा रोडवेज का शानदार स्टाफ। इस वीडियो के लिए हम भिवानी डिपो के जीएम सर नेत्रपाल जी का धन्यवाद करना चाहेंगे। और दोस्तों अभी 10:58 हो चुकी है और जो हमारी बस है वो अभी बहल के बस स्टैंड में पहुंच चुकी है। बहल का बस स्टैंड आप देख सकते हैं, बस स्टैंड ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया गया है। अभी करीबन 20 मिनट बाद हमारी बस भिवानी के लिए रवाना होगी। तो भाई इस वीडियो के लिए हम बस के स्टाफ का धन्यवाद करना चाहेंगे। ड्राइवर और कंडक्टर काफी शानदार